स्वागत है आपका फैक्ट्स की दुनिया स्टडी चंक्स में। भारत से जुड़े कुछ ऐसी रोचक बातें जो हर भारतीय को पता होनी चाहिए। नंबर वन, आपको जानकर हैरानी होगी कि आजादी के बाद भारत देश का कोई राष्ट्रगान नहीं था। तो अब आप बोलेंगे कि जन गण मन क्या है, तो आपको बता दें कि जन गण मन को 1947 में नहीं बल्कि 1950 में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया था। फैक्ट नंबर टू, हर साल 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, पर आपको बता दें कि भारत के साथ साथ साउथ कोरिया भी 15 अगस्त को ही अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। फैक्ट नंबर थ्री, हमारा जो राष्ट्र ध्वज है उसे कोई भी कंपनी नहीं बना सकती है, उसे बनाने का लाइसेंस सिर्फ खादी विकास और ग्राम उद्योगों के पास होता है। और वर्तमान की अगर बात की जाए तो पूरे भारत में सिर्फ एक ही कंपनी है जिसके पास उसका लाइसेंस है, और उसका नाम है कर्नाटक खादी ग्राम उद्योग संयुक्त संघ, जो कि हुबली में स्थित है। फैक्ट नंबर फोर, भारत को 15 अगस्त 1947 को आजादी मिली थी और उस दिन के जश्न में सभी लोग शामिल हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी नहीं शामिल हुए थे क्योंकि उस दिन वे बंगाल में अनशन कर रहे थे। फैक्ट नंबर फाइव, बात कुछ ऐसी है कि पाकिस्तान और भारत दोनों ही देश चाहते थे कि उस समय के गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन उनके स्वतंत्रता दिवस पर आए, और यही वजह है कि पाकिस्तान अपना स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाता है जबकि भारत 15 अगस्त को मनाता है, क्योंकि लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत की स्वतंत्रता दिवस को 15 अगस्त का दिन दिया था, और यही वजह है कि हर साल हम 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता यानी कि इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।